हेलो एवरीवन, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में अभी अभी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया हुआ है। एक बार ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि फिर से बढ़ा दी गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, अभी अभी ये लेटर जारी किया गया है। पहले जो है आपका आवेदन करने का जो तिथि था वो था आपका 15/7/2023, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 19/7/2023। बात को समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है। 19/7/2023 तक आवेदन अगर करते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह का लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा। अगर 19 के बाद अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, यानी कि 20 और 22 तक डेट रखा गया है, लास्ट डेट जो है आपका 22/7/2023 तक बढ़ा दिया गया है, तो 20 से 22 के बीच में आप कीजिएगा तो आपको कुछ लेट फाइन देना पड़ेगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी आपका लगेगा। इस लेटर में मेंशन किया गया है, साइड में आप देख सकते हैं। तो बीपीएससी के द्वारा जो है अभ्यर्थियों के हित में जो है ये चीज सोचते हुए एक बार फिर से जो है डेट को बढ़ाया गया है, और जितने सारे भी हमारे बिहार वाले बिहारवासी भाई हैं उनके लिए ये दुखद खबर है, क्योंकि एक बार पहले भी डेट बढ़ाया जा चुका है और फिर से दोबारा से डेट को बढ़ाया गया है। वैसे भी अभी तक जो है 7,76,000 कुछ फॉर्म जो है अभी तक सबमिट हो चुका है, यानी कि आज के अभी से एक दो घंटे पहले का मैं अपडेट बता रहा हूँ, 7,76,000 के आसपास फाइनल सबमिशन हो गया है फॉर्म का, और अभी 7 दिन का फिर से जो है फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया। तो 7 दिन में मान करके चलिए आप, पहले तो 4,00,000-3,00,000 फॉर्म था 20-25 दिन में, उसके बाद जो है आपका ऑटोमेटिक से फॉर्म जो है दुगुना हो गया, 2.5 गुना हो गया। तो अभी जो है फॉर्म जो है लगभग आपका 11,00,000 से नीचे तो नहीं कहिए, 11-12,00,000 पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि 7 दिन का और अतिरिक्त टाइम दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो लिखा गया है, ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद सुधार एडिट करने का लिंक भुगतान पेमेंट करने के पहले तक उपलब्ध होगा। जो विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/7/2023 तक उपलब्ध रहेगा। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन आवेदन जब आप करते हैं, भरते हैं, सबमिट करने के बाद सुधार अगर आप किन्हीं को करना है तो वो भी पेमेंट कीजिएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा, तब जाकर के आप सुधार कर पाइएगा। इसके उपरांत जो है अवधि विस्तारित नहीं की जाएगी, इम्पोर्टेंट बात है। अब जो है किसी भी प्रकार से डेट को बढ़ाया नहीं जाएगा, ये जो है आखिरी बार बढ़ाया गया है। और नीचे में लिखा गया है, पूर्व में दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं अन शर्त यथावत रहेंगे। बाकी जो शर्त है वो जस का तस रहेगा, लेकिन ये फॉर्म फिल करने का जो डेट है यही संशोधित हुआ है। तो थैंक यू, यहाँ पे डाटा आप लोग देख लीजिए, जो भी लिखा गया है ये रियल है, और बाकी अभी तक जो है 8,00,000 के आसपास आज ही फॉर्म डल जाएंगे, उसके बाद 7 दिन में आप समझ सकते हैं कितना फॉर्म गिरने वाला है। तो धन्यवाद, कीप एंड टच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।